हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई एफ बी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री, जिसमें आज हमें ये देखना है कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जिसकी बनावट एज या सो एज वाली हो, उसको कॉम्पिटेटिव डिग्री में कैसे बदला जाए। फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं और दोनों ही एग्जाम्पल हमारे कहाँ के हैं, पॉजिटिव डिग्री के हैं। अब हमें ये समझना होगा कि इसे हम कॉम्पिटेटिव डिग्री में कैसे बदलें। बट फ्रेंड्स, पहले हमें ये समझना होगा कि एज और सो एज होता क्या है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी हिंदी आपके सामने लिखी है, और हिंदी क्या लिखी मैंने, इतना जितना। इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, इतना या जितना, चाहे हम एज रखें या फिर सो एज का यूज़ करें, दोनों का मतलब होगा इतना डैश 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 जितना। अब फ्रेंड्स, आपको दूसरी बात यहाँ पर यह समझनी है कि एज और सो एज के बीच में ही हमें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को लिखना होता है। और जब एज और सो एज लिख के आता है, दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कहलाता है। और इसे हमें क्या करना होगा, कॉम्पिटेटिव डिग्री में बदलना होगा। यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है कि सिंपल और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में हम एज का तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सो एज होता है ना, उसका यूज़ ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। अब फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कॉम्पिटेटिव डिग्री में कैसे बदला जाए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ही इज़ एज हैंडसम एज राहुल। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि हमें इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कॉम्पिटेटिव डिग्री के सेंटेंस में बदलना है। तो फ्रेंड्स, पहला काम हमें ये करना है कि हम पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कॉम्पिटेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाएं। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट कौन है, राहुल। तो राहुल को हमें कॉम्पिटेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाकर लिखना होगा। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, राहुल लिखा। इसके ठीक बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखनी होगी, हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या थी, इज़। अब इस के बाद मुझे यहाँ पर नॉट का यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस सिंपल है तो कॉम्पिटेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव बनाया जाएगा, और अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव होगा तो कॉम्पिटेटिव डिग्री का सेंटेंस सिंपल बनाया जाएगा। अब इस नॉट को रखने के बाद हमें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कॉम्पिटेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल कर लिखना होगा। तो हमारा जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव था वो कौन था, हैंडसम। अब हैंडसम को अगर मैं कॉम्पिटेटिव में बदलूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, मोर हैंडसम। अब मोर हैंडसम लिखने के ठीक बाद मुझे यहाँ पर दैन को यूज़ करना होगा, और दैन के बाद हमें पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कॉपी करना होगा, जो कि क्या था, ही। तो इस तरीके से हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना कि राहुल इज़ नॉट मोर हैंडसम देन ही। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल राहुल लिखा है, ही इज़ नॉट सो क्लेवर एज रवि। और ये सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, पॉजिटिव डिग्री का। लेकिन ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है। और अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव है, तो कॉम्पिटेटिव डिग्री के सेंटेंस में इसको बदलते समय हमें ध्यान में रखना होगा कि अब हमारा कॉम्पिटेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो सिंपल बनाया जाएगा। तो हमें पहला काम क्या करना होगा कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कॉम्पिटेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाना होगा। तो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, रवि। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, रवि। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इज़। और इज़ हमारी क्या होगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके ठीक बाद मुझे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कॉम्पिटेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल कर लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है वो कौन है, क्लेवर। अब क्लेवर को अगर मैं कॉम्पिटेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलूंगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, क्लेवरर। और क्लेवरर के ठीक बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, देन। और देन के बाद मुझे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना, उसको कॉपी करना होगा। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बनेगा कि रवि इज़ क्लेवरर देन ही। अब फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं जहाँ पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि कॉम्पिटेटिव डिग्री का ही सेंटेंस अगर हमें मिल जाए तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलें। आप देख सकते हो आपके सामने मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल फिर से लिखा है, लेकिन दोनों सेंटेंस हमारे कहाँ के हैं, कॉम्पिटेटिव डिग्री के हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सी इज़ ब्रेवियर देन हर मदर। और इसका मतलब क्या होगा कि वह अपनी मम्मी से ज़्यादा बहादुर है। और फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ही इज़ नॉट वाइजर देन रमेश। और इसका मतलब क्या होगा कि वह रमेश से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। अब फ्रेंड्स, हमें इन दोनों सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है कि सी इज़ ब्रेवियर देन हर मॉम। माइंड कीजिएगा कि अगर कॉम्पिटेटिव डिग्री का सेंटेंस सिंपल है तो पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो नेगेटिव ही बनाया जाएगा।
और अगर कॉम्पिटेटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव हो गया तो पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो सिंपल में बनाया जाएगा। तो बात करते हैं क्या पहला एग्जाम्पल जो कि मैंने क्या लिखा है, सी इज़ ब्रेवियर देन हर मदर। तो हमें पहला काम क्या करना होगा कि कॉम्पिटेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाना होगा। और हमारे यहाँ पर जो कॉम्पिटेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है वो कौन है, हर मदर। इसको हमें सबसे पहले लिखना होगा क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है वो यही बनेगा। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, हर मदर। इसके ठीक बाद देखिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है, इज़। ये हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नॉट का यूज़ करना होगा क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटेटिव डिग्री का सेंटेंस था वो क्या था, सिंपल। तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस 100% आपका निगेटिव बनने वाला है। अब नॉट के बाद हमें यहाँ पर सो एज या फिर एज के बीच में कॉम्पिटेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल कर लिखना होगा। और यहाँ पर हमारा जो कॉम्पिटेटिव डिग्री का एडजेक्टिव था वो कौन था, ब्रेवियर। तो ब्रेवियर को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेव। तो ब्रेव को हमें क्या करना होगा, एज और एज दोनों के बीच में लिखना होगा। और दूसरा वाला जो एज है ना, उसके ठीक बाद हमें कॉम्पिटेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कॉपी करना होगा जो कि यहाँ पर क्या था, सी। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, हर मदर इज़ नॉट एज ब्रेव एज सी। अब फ्रेंड्स आपके सामने एक एग्जाम्पल और है, और वो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर कि ही इज़ नॉट वाइजर दैन रमेश। अब इसको भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना होगा, रमेश, क्योंकि रमेश हमारा क्या था, कॉम्पिटेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट था, इसे हमें पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाकर लिखना होगा। इसके ठीक बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी जो कि हमारी क्या हो जाएगी, इज़। इसके ठीक बाद हमें एज और एज के बीच में वाइज का यूज़ करना होगा क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटेटिव डिग्री का एडजेक्टिव था वो क्या था, वाइजर। और वाइजर को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलेंगे तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, वाइज। और लास्ट वाले एज के ठीक बाद हमें कॉम्पिटेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कॉपी करना होगा जो कि यहाँ पर कौन है, ही। क्योंकि जो ही है हमारा वो कॉम्पिटेटिव डिग्री का क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, जिसको हमें लास्ट वाले एज के ठीक बाद कॉपी करना होगा। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बनेगा कि रमेश इज एज वाइज एज ही। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव डिग्री को कॉम्पिटेटिव में और कॉम्पिटेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।